हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का डीआईवाई बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। आज हम क्ले पॉट पर कुछ इस टाइप का डीआईवाई करेंगे। ये आजकल ट्रेंड में भी है, इसे आप एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ प्लांटर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरे डीआईवाई आइडियाज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। अपने इस डीआईवाई को करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्ले पॉट लिया है। एक्चुअली ये करवा चौथ की मटकी है, तो आज हम इसी से ही अपना डीआईवाई करेंगे। जब आप इस तरीके से स्टार्टिंग में ही पानी का एक लेयर कर देते हो तो वॉल पुट्टी अच्छे से स्प्रेड होती है। इस तरीके से इसको स्मूथ कर लेना है, इसके सरफेस को पानी की हेल्प से, और इसी तरीके से मैं इसे स्प्रेड कर दूंगी। तरीके से आप देख सकते हो, इसके आगे और पीछे पूरे एरिया को मैंने वॉल पुट्टी से कवर कर लिया है, और ये जो मटकी में जो होल है इसको भी मैं आगे वॉल पुट्टी से कवर करूंगी, पर अभी मैंने नहीं कुछ भी नहीं किया है। इस क्ले पॉट पर हम आउल बनाएंगे, तो इस तरीके से हमें आउल की आईज बना लेनी है और इसको वाटर की हेल्प से इस तरीके से स्मूथ कर लेना है। पानी की हेल्प से इस तरीके से इस पर होल कर लेंगे, ताकि हम आउल का पीपल भी बना सके। ये जो होल है यहाँ पर भी हमें इस तरीके से आउल का, यहाँ पर मैं पीपल बना रही हूँ आईज में, तो इस तरीके से हमें राउंड को इस तरीके से स्टिक कर लेना है, इस तरीके से। अब ये जो होल वाला पोर्शन है यहाँ पर मैं उसकी नोज बनाऊंगी। इसकी नोज बनाने के लिए हमें इस तरीके से शेप देना है। आप देख सकते हो ये नीचे पॉइंटेड है और ऊपर का एरिया ब्रॉड है, और इसे मैं इस होल पर स्टिक कर लूंगी और पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर लूंगी। जब आप इसे स्टिक करें तो इस तरीके से इसे शेप दे दें। आउल की आईब्रो भी बना लेंगे, तो इस तरीके से वॉल पुट्टी के से मैंने क्वाइल बनाया है और इसको मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ। इसे स्टिक करते समय आप ध्यान देना लेंथ दोनों तरफ इक्वल हो। इस तरीके से एक मोटा क्वाइल लिया है और इससे हम आउल के फेदर्स भी बना लेंगे। इस तरीके से पानी की हेल्प से इसकी सरफेस को स्मूथ कर लेना है और इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें इस पर स्टिक करना है, ताकि ऐसा लगे कि ये इसी से ही अटैच है। पीछे साइड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। इस टाइप की आपको जो रोड साइड क्ले पॉट भेजते हैं उनके पास मिल जाएगा, वो लोग इसे सेल करते हैं, बट आप इसको इजीली घर पर बना सकते हो। और करवा चौथ का जो मटकी है वो तो सबके पास ही होती है। इस तरीके से इस पे शेप दे देना है, इस तरीके से। हम इसके फ्रंट एरिया पर भी इसी तरीके से वॉल पुट्टी की एक मोटी लेयर को स्टिक करेंगे, इससे जब हम इस पे कार्विंग करें तो ईजी हो। इस तरीके से पानी की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लेना है। दोस्तों, ये काम आप क्ले के साथ भी कर सकते हो। अब इस तरीके से मैंने ये लिड लिया है, ये फेविकोल का लिड है, और उससे मैं इसकी आइस पर इस तरीके से कार्विंग कर रही हूँ। और स्पून की हेल्प से इस तरीके से, ये वुडन स्पून है, इसकी हेल्प से इस तरीके से मैं इस पर कार्विंग करूँगी। ये काम आपको इसके वॉल पुट्टी के ड्राई होने से पहले ही करना है ना, क्रैक्स आएंगे इस पर। आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये काम हम क्ले के साथ भी कर सकते हैं, बट क्ले के साथ ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्ले यूज़ हो जाएगा, तो ये कॉस्टली पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप ये बना रहे हो तो आप वॉल पुट्टी का ही यूज़ करें। लिड की हेल्प से इसे इस तरीके से हमें शेप देना है। बैक साइड भी हम कार्विंग कर लेंगे। आप चाहो तो बैक साइड प्लेन भी रख सकते हो, पर मैंने बैक साइड पे वॉल पुट्टी को स्टिक किया है, तो इस तरीके से अब मैं कार्विंग कर रही हूँ। ये फेदर वाले एरिया में भी इसी तरीके से कार्विंग कर लेना है, आगे और पीछे दोनों साइड से। इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में हमने आउल के ईयर भी बना लिए हैं। ईयर बनाते समय दोनों के डिस्टेंस का ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस पर ही ईयर को स्टिक करना है। और इसका जो ये वाला बीच का पोर्शन था उसको भी मैंने पुट्टी से फिल कर लिया है। अब इस पॉट के अपर पोर्शन को भी हम वॉल पुट्टी की हेल्प से इसे भी हाइड कर लेंगे। इसे इस तरीके से काम करना, स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्ले पॉट पे, तो बहुत
बहुत ईजी रहता है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। इस तरीके से हमने इसके एजेस को कवर कर लिया है। स्टिक करने के लिए पहले वॉल पुट्टी हमने लगा ली है और फिर इसके बाद इस तरीके से इस पे रख देंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। थोड़ी सी शेप दे देनी है और स्पून की हेल्प से इस पर कार्विंग कर लेंगे। अब हम इसे ड्राई होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर मैंने ब्लैक में व्हाइट कलर को मिक्स करके ग्रे कलर प्रिपेयर किया है, तो इससे मैं इसके आईब्रोज पर कलर कर लूंगी। आईब्रोज और नोज पर ग्रे कलर करने के बाद अब मैं इसकी पूरी बॉडी पर पिंक कलर करूंगी। मैं आउल को कलरफुल रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर मल्टी कलर कर रही हूँ, बट दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। आउल के फेदर्स पर मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, ये लाइट ग्रीन कलर है। इसके ईयर्स पर पिंक कलर करने के बाद अब मैं इसके लेग्स पर येलो कलर कर रही हूँ। लेग पर कलर करने के बाद अब आईज पर इस तरीके से जो हमने कार्विंग किया था उस पर इस तरीके से मैं लाइनिंग कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। इसके जो फेदर्स हैं जिस पर हमने कार्विंग किया था उसको हाईलाइट करने के लिए मैं इस तरीके से ग्रे कलर कर रही हूँ। फेदर को हाईलाइट करने के बाद अब इसके साइड फेदर को भी इसी तरीके से हाईलाइट कर लेना है। कलर करने के बाद अब मैं इसके जो पैर हैं उस पर भी इस तरीके से ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ईयर पर मैं इस तरीके से वाइट कलर से शेड कर रही हूँ। उस पर कलर करने के लिए मैंने ऑरेंज में वाइट कलर को मिक्स किया है। हमारा कलरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बैक साइड में आप देख सकते हो मैंने कोई कलर नहीं किया है। आप चाहो तो इस पर कलर कर सकते हो, मैंने पर इसे ऐसे ही प्लेन रखा है। इस पर शाइनी इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं वार्निश कर रही हूँ। वार्निश करने से इसके कलर भी प्रोटेक्ट रहेंगे और इस पर एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी, तो ये प्रोसेस मस्ट है। अब हमारा ये आउल प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। दोस्तों इसमें आप अपनी निकनेक चीजें रख सकते हो या इसे एज अ रिमोट होल्डर, एज अ प्लांटर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो।